सुबह में ही रिलीज़ हुआ है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस है और बहुत फ़नी वीडियो सॉन्ग है होली का, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। कॉमेडी है, कुछ अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जब आप मेले में पवन जी को देखती हैं तो क्या रिएक्शन होता है? मैं बोलती हूँ मैं चाट बेचने वाली होती हूँ उसमें, तो मैं पवन सर को बोलती हूँ कि नहीं आइए चाट खा लीजिए ऐसा, तो उनके पास 2 रुपए कम रहते हैं कि 2 रुपए ही रहते हैं, कुछ ऐसा ही है, मुझे याद नहीं आ रहा है उतना। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, वो वीडियो ही बहुत बहुत प्यारा वीडियो है। आप पैसा लेते हैं, पैसे छोड़ देती हैं? बाद में ले लेती हूँ इतनी मेहनत से बना रही हूँ तो छोड़ूंगी तो नहीं ना। बहुत बहुत ज़्यादा, शुरू से अंत तक है, नोक झोंक ही है। और बहुत ही अच्छा वीडियो शूट किए हैं बॉबी जी ने और जो भी थे टीम में, गोल्डी जायसवाल जी ने, सब लोगों ने बहुत ही मेहनत किया और वो मेहनत दिख भी रहा है, पूरी टीम ने बहुत मेहनत किया। एंगल म्यूजिक से आ रहा है और पहली बार एंगल म्यूजिक पे काम की, बहुत अच्छे हैं जो एंगल म्यूजिक के मालिक हैं, वो भी बहुत ही अच्छे हैं जी, रमेश सर। बहुत अच्छा लगता है पवन सर के साथ काम करके, और जब भी उनके साथ कोई भी सॉन्ग आए तो या मूवी आते हैं तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है। खैर आवाज़ के तो वो बादशाह हैं, तो जब भी वो कुछ भी गुनगुना भी देते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है, दिल को छूते हैं आवाज़ जी। तो उनके साथ अब तक कितने गाने आ चुके हैं? ऐसे गिनती तो नहीं की हूँ लेकिन काफ़ी होंगे, और जो भी हैं सब काफ़ी हिट है। इससे पहले था करिया सड़िया ले ले या नजरिया ना लागे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और कौन कौन गाने अभी आने वाले भी हैं और भी गाने, तो वो सब भी आप लोग को पसंद आएंगे जी। फिल्में कौन कौन आप कौन सी? क्रिक फाइटर है, बॉस है, 2 मूवी तो क्या है, धर्मा है, धर्मा में एक सॉन्ग किया था हमने उनके साथ। कौन सी फिल्म का गाना ज़्यादा हिट हुआ था जो पवन सिंह जी के साथ आपने किया था? पवन सर के साथ तो जो भी किया है हिट है, सोलो उनकी फिल्म का एक गाना था मेरा, हाँ सड़िया जब जब पानी, क्रिक फाइटर सॉन्ग का, क्रिक फाइटर मूवी का था वो सॉन्ग, मतलब बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला। तो वो लाल साड़ी में जो आप कयामत ढाई है, क्या कहना चाहे जो आपके करोड़ों दिलों की धड़कन बनी है? अरे नहीं, वो तो मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील होता है, खुद के लिए भी अच्छा आता है फीलिंग की, बोलते हैं हीरोइन है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हीरोइन है, आप तो वेस्टर्न ड्रेस डालिए, थोड़ा वेस्टर्न कमेंट भी करते हैं कि हीरोइन है तो थोड़ा वेस्टर्न पहनना चाहिए ये वो, तो मुझे ऐसा लगता है अगर जो भी ऑडियंस है हमारी, जो भी मुझे जो भी लड़कियां और फीमेल, मेरी तो ऑडियंस ज़्यादा फीमेल हैं, मेल भी हैं बट फीमेल बहुत ज़्यादा हैं, तो वो सब लड़कियां मुझे पसंद करती हैं सूट साड़ी में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, और दीदी बोलती हैं तो ये एक अपनापन लगता है, तो ऐसा हीरोइन वाला फीलिंग नहीं आता। और मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते नहीं आप वेस्टर्न भी कैरी किया करिए, तो मुझे ऐसा लगता है नहीं, जो भी लड़कियां हैं हम लोग वेस्टर्न ड्रेस पहनने में प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों ने भी स्टार्टिंग में 1-2 बार हमने भी पहना है, लेकिन उसकी वजह से मेरी मम्मी मुझे बहुत डांट, मतलब बहुत ही ज़्यादा डांटी हैं, 1-2 सॉन्ग हमने ऐसा कर दिया है स्टार्टिंग में, नॉलेज नहीं था, आइडिया नहीं था तो किया है, तो मुझे ऐसा लगता है जब हमारी मम्मी ही खुश नहीं है हमारे इस काम से, तो मतलब फिर हमें दुआ कौन देगा, माँ से बड़ा दुआ कुछ नहीं होता है, तो जब मम्मी ही हमारे वर्क से खुश नहीं रहेंगी तो फिर मैं दुनिया को खुश करके कोई मतलब नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है पहले मैं अपनी माँ को खुश करूँ फिर दुनिया को, तो भोले बाबा खुश कर देंगे। ज़्यादातर मेरी फैमिली फिल्म होती हैं, और जिसकी अभी मैंने एक महावर मूवी की है, और मेरे लिए ये भी बहुत ही अच्छी बात है, भगवान का शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ के लिए कि महावर मूवी में मेरा एक सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है रितेश जी के साथ, तो मूवी के सॉन्ग अभी आपको भी पता होगा कि मूवी के सॉन्ग ज़्यादा नहीं चल रहे अभी क्योंकि एल्बम बहुत हावी हो गया है सॉन्ग के मामले में, लेकिन वो सॉन्ग मेरा बहुत ही अच्छा चला, सारे चैनल को मिला के 10 मिलियन होगा मेरे ख्याल से, ऐसा बहुत ही प्यारा वो सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है महावर मूवी का, तो बहुत अच्छा लगता है कि मुझे ऐसे भी लोग पसंद करते हैं। जी जी, मैं तो बहुत कर रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है पारिवारिक मूवी करके, जिसमें ड्रेस गंदे ना हो, ताकि मेरे भाई भी कभी भी टीवी हो चाहे मोबाइल हो, आजकल बच्चे बच्चों के हाथ में फ़ोन और टीवी वगैरह सब लोग देखते ही हैं,
तो मुझे नहीं ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं कुछ मैं ऐसा ना करूं कि मेरे भाई को नज़र एक बार झुकाना पड़े या इधर उधर देखना पड़े। तो मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि हमेशा कुछ अच्छा ही करूं। अभी जो होली सॉन्ग भी आया है उसमें थोड़ा है, टाइटल थोड़ा है, जैसे मैं चाट बेच रही हूं तो ऐसा नॉर्मल देखा जाए तो वो चाट है, लेकिन थोड़ा है कि भाभी जी के चाट ले, ऐसा थोड़ा फनी ही है। लेकिन वीडियो आपको दिखेगा, बट सॉन्ग बहुत ही अच्छा है वो। तो अच्छा चांदनी जी, बात करें भोजपुरी इंडस्ट्री में, कि जातिवाद को लेकर के बड़ा मसला उठता है, बबुआ नहीं आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है और कोई मसला नहीं उठता है। जो जिनकी बात आप कर रहे हैं मैं समझ रही हूँ, तो वो दोनों में कोई ऐसा, वो दोनों सर बहुत अच्छे हैं और दोनों में कुछ ऐसा नहीं है। जो उनके अगल बगल जो फीमेल भी बोल सकते हैं, मेल फीमेल जो जिनको बोलते ना मुझे हिट होना है फिर मैं कुछ भी बोलूँ, तो उनकी वजह से ये सब गंदगी फैलती है जो कि नहीं होना चाहिए। हमारी इंडस्ट्रीज़ की ये दुर्भाग्य कहा जाएगा कि आज के डेट में पब्लिक फिल्म से ज़्यादा ये चर्चा करती है, पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा चर्चा करती है। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि ऐसा, लेकिन उन दोनों में ऐसे, दोनों सर में ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो इंटरटेन करते हैं लोगों को। जी, अभी जिस फिल्म के सेट पे हैं मेहंदी के रंग प्रिया के साथ, ये फिल्म कितना इंटरटेन करने वाली और कितना दिल के करीब आपके होने वाली है? बहुत। मेहंदी टाइटल ही मैंने सुन के इस फिल्म को बोला था हाँ मैं करूँगी, क्योंकि बहुत ही प्यारा टाइटल ही बहुत प्यारा है, मेहंदी के रंग पिया के संग। तो उत्कर्ष जी हैं, विक्रांत जी हैं, तो बहुत अच्छा लगेगा ये मूवी और बहुत ही प्यारी फिल्म है ये। पहली बार बहुत अच्छे हैं वो, तो गार्जियन है फिल्म के, तो वो हैं तो बहुत अच्छे हैं सर लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं पहली बार दोनों प्रोड्यूसर सर के साथ और डायरेक्टर सर के साथ पहली बार काम कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट डे ही मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहा है। अपने फैंस ऑडियंस बस यही कहूँगी कि जो भी मैं करती हूँ अगर ख़राब लगता है, थोड़ा भी ख़राब लगता है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं वो नहीं करूँगी। और जो अच्छा लगता है अर्थात प्यार दीजिए, भर भर के भरपूर प्यार दीजिए और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद भी दीजिए।